हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस बारे में बात करूंगी कि ये हमारा गुड़हल का प्लांट है जिसको हिबिस्कस कहते हैं। इसका अब ये मौसम आ गया है फ्लावरिंग का, गर्मी में फ्लावरिंग करता है ये। सर्दी जो है इसके लिए डोरमेंट पीरियड होता है, ये सोता है, अपनी एनर्जी को दोबारा से इकट्ठा करता है गर्मियों में फूल देने के लिए। तो अब इसका मौसम है, ये फूल देने का मौसम आ गया है। तो अब हम इसको फूल देने के लिए कैसे तैयार करें, तो सर्दी के मौसम में इसे क्या करना चाहिए, जब अगर ये पॉट में लगा हुआ है प्लांट तो उसको थोड़ी सी कवर्ड एरिया में रख देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में कई बार इसके पत्ते भी, कई बार क्या है, ज़्यादातर इनके पत्ते वगैरह जो हैं वो गर्मियों सर्दियों में झड़ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ढंग से नहीं दें या ज़्यादा दे दें तो इनके पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, और इस टाइम दोबारा पत्ते आते हैं और फिर से ये प्लांट जो है वो फूल देना शुरू करता है। तो अब हम इसको फूल देने के लिए गर्मियों में कैसे तैयार करें उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर्दियों में हम इसको थोड़ा कवर्ड एरिया में रखते हैं, क्योंकि ठंड इसको नुकसान देती है। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब इसको धूप चाहिए। वैसे तो थ्योरेटिकली तो ये कहा जाता है कि हिबिस्कस को 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए तो ये फूल देता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो जैसे हम राजस्थान में रहते हैं या जो भी ऐसे स्टेट्स हैं या जो भी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर आप इसको फुल सन में रख देंगे सारा दिन की धूप में, तो फिर ये प्लांट आपका अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं करेगा, अच्छी हेल्थ नहीं बनेगी इसकी। तो वहाँ पर आप इसको जो है वो पार्शियल धूप में रखिए, मतलब आधा दिन की धूप, बिल्कुल जो दोपहर की धूप होती है वो इसको ना मिले तो अच्छा है। सुबह की धूप मिल जाए 12 बजे तक की, या शाम की धूप मिल जाए, या सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी धूप मिल जाए, और दोपहर की जो बिल्कुल तेज धूप होती है वो ना मिले। और अगर बहुत धूप वाली जगह है तो आप ग्रीन नेट लगा दें वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 70% धूप जो है, 50% धूप जो है वो इसको ना मिले, तो सुबह शाम की धूप मिले तो अच्छा। और जो कूलर एरियाज हैं, जो ठंडे जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी टेम्परेचर नहीं होता, जैसे हिली एरियाज हैं या और भी बहुत एरियाज हैं, वहाँ पर आप इसको फुल सन में रखें। वहाँ पर फुल सन इसके लिए ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे की, वहाँ दोपहर की धूप से इसको बचाना इतना ज़रूरी नहीं। तो आप कहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, ये कोई नियम नहीं है कि भाई 6 से 8 की मिलनी ही चाहिए, आप जिस जगह पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए। तो वो आप इसको रख दीजिए पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको खाद डालनी है जो हमें इसको फूल इसमें लाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हिबिस्कस के लिए ये है कि इसको फास्फोरस जो है वो बिल्कुल नहीं देना है, बहुत कम देना है या फिर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो इस प्लांट को मार देता है। अगर आप फास्फोरस देंगे तो आपका प्लांट मर जाएगा। तो आप इसमें DAP नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देनी है DAP इसमें प्लांट में। इसको पोटेशियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, फूल देने के लिए हिबिस्कस को पोटेशियम बहुत चाहिए होता है। तो हमेशा आप इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, बनाना के जो छिलके होते हैं उनको सुखा लीजिए, और जो संतरे के छिलके, आजकल बहुत मौसम आया है संतरों का, संतरे और बनाना के जो छिलके होते हैं उनको आप धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए इक्वल क्वांटिटीज़ में, और उनको आप पीस लीजिए मिक्सी में, सूखने के बाद उनको मिक्सी में पीस लीजिए, और वो आप इनमें जो है वो हर हफ्ते या 10 दिन में उसके 1 चम्मच या 2 चम्मच, इस वाले प्लांट में आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 12 इंच का गमला है, इसमें आप 2 चम्मच हर 10 दिन में या हर हफ्ते आप इसमें, वैसे 10 दिन में ठीक रहता है, हफ्ते में आप डाल दें और आपके प्लांट को कुछ हो जाए तो every 10 days इसको डाल दें तो अच्छा रहता है। उससे क्या होगा कि ये फूल अच्छा देगा। या फिर एक बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, उसका प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, वो रोजेस के, रोज़ के लिए, गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गुलाब में बड़े फूल कैसे पाएं, उसमें मैंने वो बनाना बताया हुआ है, तो वैसा बनाना का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप बनाते हैं तो वो हर हफ्ते इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ऑरेंज के छिलके हम इसलिए डालते हैं कि ऑरेंज में और भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और साथ में क्या है कि वो इसकी सॉइल को एसिडिक बनाता है, ऑयल के छिलके, ओ सॉरी ऑरेंज के छिलके, तो वो जो एसिडिक सॉइल होती है वो इसको बहुत पसंद है, एसिडिक सॉइल में ये जो है वो फूल बहुत अच्छे देता है।
फिर आप इसको थोड़ा सा बड़े गमले में लगाइए, अगर छोटे गमले में है तो बड़े में। देखिए मेरा ये है अभी छोटे गमले में, क्योंकि मेरा प्लांट छोटा है, तो इसको छोटे गमले में जिस साइज का प्लांट है उसके हिसाब से इसका गमला थोड़ा सा बड़ा रखिए। और सीमेंट के गमले में इसको लगाएंगे तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है कई बार ये जो मिट्टी के गमले होते हैं ये कई बार अच्छी तरह पकाए हुए नहीं होते, तो ये चिकनी मिट्टी के बनाए हुए होते हैं, तो वो जो चिकनी मिट्टी होती है ना उसमें उसके पार्टिकल्स मिट्टी में मिलते रहते हैं और वो इस मिट्टी को एल्केलाइन बना देते हैं। तो वो जो एल्केलाइन बना देते हैं पार्टिकल मिट्टी को, तो वो इसके लिए नुकसानदायक होती है। तो इसको बड़े पॉट में लगाना, मतलब इसलिए ये जो मिट्टी का गमला होता है ये थोड़ा सा इसको नुकसान देता है कई बार, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर प्रेफर करिए कि इसमें सीमेंट का गमला ही यूज़ करें तो अच्छा रहता है। और बड़े साइज़ का गमला लें। बड़े साइज़ के गमले से एक फ़ायदा होता है कि उसकी रूट अच्छी डेवलप हो जाती हैं, तो प्लांट की रूट का ये जो ग्रोथ पीरियड है ना समर का, गर्मियों का, इसमें इसकी रूट भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं। और वो जो अच्छी रूट डेवलप्ड रूट होती है ना, वो सर्दियों में इसको सर्दी के मौसम को बैर करने में, उसको बर्दाश्त करने में, उसको ओवरकम करने में जो है वो मदद करती हैं वो बड़ी हुई रूट्स, इसलिए इसका गमला थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। और दूसरी चीज़ कि जो बड़ा गमला होगा तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है मिट्टी में, इसकी मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा डालिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मिट्टी बनानी भी बताई हुई है हिबिस्कस पे, हाउ टू गेट मोर फ्लावर्स इन हिबिस्कस में। तो अभी जो मैंने आपको बनाना पील वगैरह बताया है वो आपको हर 10 दिन में डालनी है। और सबसे पहली तैयारी, ये मैं पहले भूल गई थी आपको बताना, जैसे ही अभी ये गर्मी आई है तो सबसे पहली तैयारी तो हमें ये करनी है कि इसमें वर्मी कंपोस्ट देते हैं। इसको थोड़ी ऑर्गेनिक जो खाद है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये प्लांट जो है बड़ा डेलिकेट कह सकते हैं, डेलिकेट प्लांट होता है, इसमें पेस्ट भी ज़्यादा लगते हैं और जल्दी मर जाता है, आपको एकदम से कई बार उगता उगता पता चलता है कि प्लांट आपका मर गया। तो देखिए ये ऐसे मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐसे ऊपर ही मिला दी है, ये देखिए ऐसे वर्मी कंपोस्ट मिला दी है, अंदाजन 2-3 मुट्ठी, जैसे 12 इंच का गमला है तो इसमें 2-3 मुट्ठी डाल देंगे। और ऑलरेडी भी जब इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि इसको एक तो एसिडिक सॉइल पसंद है, तो ये वर्मी कंपोस्ट जो है ये जो केचुए की खाद होती है इसको बहुत पसंद आती है इस प्लांट को, तो ये एक तो मिट्टी को थोड़ा सा, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये ज़्यादा पानी को मॉइस्ट रहती है, एक बार आप पानी दे दो तो ये काफ़ी टाइम तक पानी से गीला रखती है गमले को, गीला नहीं मॉइस्ट रखती है, इसको ज़्यादा पानी नुकसान देता है। इसकी मिट्टी हमेशा, जैसे आपको इस टाइम ये मिट्टी दिख रही है, मॉइस्ट रहनी चाहिए इसकी मिट्टी और सॉगी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आप सॉइल लेंगे वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मॉइस्चर होल्ड करने का मतलब है कि उसमें वर्मी कंपोस्ट आप डालेंगे तो वो उस मॉइस्चर को पकड़ के रखेगी। और एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा सॉइल और एक हिस्सा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के थोड़ी सी ज़्यादा, एक हिस्से से ज़्यादा, उसको डेढ़ हिस्सा या दो हिस्सा डालिए, ताकि इसमें वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा रहे और उससे ये हेल्दी रहता है। और फिर जैसे मैंने बताया, बनाना पील और ऑरेंज पील का पाउडर बना के वो आप इसमें हर 10 दिन में डालते रहिए। और अगर आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसको आप हर हफ्ते लिक्विड देते रहिए। इस प्लांट को सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है, सीवीड फर्टिलाइज़र डालिए, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स भी बनते हैं, वो डालेंगे आप तो वो इसको डिजीज़ से लड़ने की भी कैपेबल बनाता है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं हर 10-15 दिन में एक बार। तो लेकिन आपको बनाना पील और ऑरेंज फर्टिलाइज़र तो ज़रूर डालना है, और बनाना का लिक्विड भी ज़रूर डालना है, और सीवीड आपके पास है तो वो भी आप 10 दिन में एक बार, जिस दिन आप बनाना पील का डालें उसी दिन सीवीड का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। कई बार सीवीड जो है वो दानेदार भी आता है, अगर दानेदार है तो वो भी 1-2 चम्मच हर 15 दिन में, 10 दिन में आप इसको डालते रहिए। जिस दिन आप बनाना पील डालें थोड़ा सा सीवीड फर्टिलाइज़र भी डाल दीजिए, वो इसको बहुत पसंद है। और इसमें आप आलू का पानी भी डाल सकते हैं, आप आलू बॉईल करते हैं ना घर में सब्जी या कुछ बनाने के लिए, तो उसका पानी भी इसमें, आलू में भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और पोटाश जो बाज़ार में मिलता है वो भी डाल सकते हैं,
वैसे थोड़ा केमिकल कम यूज़ करिए क्योंकि बड़ा डेलिकेट प्लांट है। और एक चीज़ कि इस प्लांट में आप हर 10 दिन में एक बार ही, जिस दिन आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र और ऑरेंज पील वाला डालें या बनाना का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें 10 दिन में एक बार, तो आप हर 10 दिन में एक बार या 15 भी कर सकते हैं, उसमें एक बार आप इसमें नीम ऑयल को ज़रूर छिड़किए। नीम ऑयल जो है वो 1 लीटर में 1 चम्मच नीम ऑयल, आजकल ऐसा नीम ऑयल आपको एग्रीकल्चर शॉप पे ऐसा नीम ऑयल मिल जाता है जिसमें इमल्सीफायर डाला हुआ होता है। इमल्सीफायर डालने के बाद आपको उसमें सोप और तेल नहीं मिलाना पड़ता है, उसमें वो मिला हुआ आता है इमल्सीफायर। तो ऐसा आप एग्रीकल्चर शॉप से ऐसा नीम ऑयल ले आइए और वो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के और उसका इस पर स्प्रे करिए। और अपने जितने भी प्लांट्स हैं, इस पर मैं इसलिए स्पेशली कह रही हूँ कि ये बड़ा प्रोन टू डिजीज़ प्लांट है, बड़ी जल्दी डिजीज़ को कैच करता है। जितना आपको सुंदर लगता है, एक दिन अचानक आपका प्लांट मर जाता है या इसकी बर्ड्स गिरने लग जाती हैं, पत्तियाँ गिरने लग जाती हैं, तो वो इसलिए होता है कि इसमें डिजीज़ बहुत जल्दी लगती है। तो उसके लिए आप ये करिए कि इसमें जो है नीम ऑयल का छिड़काव हर 10-15 दिन में करते रहिए। और अगर उसके बाद भी कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसके लिए फिर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है डिजीजेज ऑफ हिबिस्कस, उसमें आपको मैंने सारी डिजीजेज की दवाइयाँ बताई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। वैसे आप नीम ऑयल अगर छिड़केंगे तो आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि प्लांट हेल्दी है तो क्या ज़रूरत है। आपको हेल्दी दिख रहा है प्लांट तो भी प्रिकॉशनरी आप उस पर नीम ऑयल स्प्रे करते रहें इन दिनों गर्मियों में सारे प्लांट्स पे अपने, और इस पे तो ज़रूर ही करेंगे आप, गुलाब पे और हिबिस्किस पे तो ज़रूर करिए, इनमें डिजीजेस बहुत ज़्यादा होने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया है कि आपको गर्मी में इससे ज़्यादा फूल लेने के लिए, आपके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और हाँ साथ में छोटी छोटी सी प्रूनिंग भी करते रहिए आपका पेड़ बड़ा है तो। पौधा मेरा पौधा तो छोटा है, जैसे ये फूल जो है स्पेंट फ्लावर्स को तोड़ते रहिए, इसका फूल ज़्यादा ज़्यादा 1 दिन रहता है या कोई स्पेशल वैरायटीज़ के 2 दिन भी रह जाते हैं, तो इन फूलों को स्पेंट फ्लावर्स को तोड़ते रहिए। और जब भी आपको फ्लावर को तोड़ना है तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ ऊपर से नहीं तोड़ेंगे, पूरा यहाँ से नीचे से जो इसकी डंडी है यहाँ से आप अपने फ्लावर को तोड़ दीजिए। और जो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं कि इनमें आप फूल नहीं आएंगे, उनको छोटा छोटा ऊपर से 1-1 इंच ऐसे साथ साथ काटते रहिए, उससे प्लांट की ग्रोथ बनी रहती है और प्लांट बड़ा होता रहता है और ज़्यादा बढ़ जाती रहती हैं। तो ये जो स्मॉल प्रूनिंग है छोटी वाली, ये करते रहना चाहिए पूरी गर्मियाँ छोटी छोटी प्लांट की, उससे भी आपके प्लांट में फूल ज़्यादा आएंगे। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं फ्रेंड्स, इनको आप सबको ज़रूर, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप करते रहिए गर्मियों में अपने प्लांट से ज़्यादा फूल लेने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरे डेली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें, क्योंकि कई बार आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।